दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू। तुम मायके जाओगी तो छोटी बहू के कपड़े कौन धोएगा? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, सब दीपक की पसंद का खाना बनाना चाहिए। आज कितने दिनों बाद आ रहा है मेरा बेटा। जी माँ जी, सब उन्हीं की पसंद का बना रही हूँ, कहकर रागिनी अपने काम में लग गई। रागिनी की शादी दीपक से संपन्न परिवार में हुई थी। दीपक दूसरे शहर में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। तीज त्योहार में ही दीपक का आना हो पाता था। रागिनी का भोलापन और उसकी मासूमियत ऐसे कि सभी को अपना बना दे। पढ़ी लिखी थी लेकिन घर को प्राथमिकता देते हुए रागिनी ने अपने कैरियर और परिवार में से परिवार को सुना था। ससुराल में पति दीपक 3 साल का बेटा वैभव के अलावा सास ससुर देवर देवरानी थे। देवर की शादी 2 माह पहले ही हुई थी। देवरानी सरकारी ऑफिसर और देवर जी का अच्छा खासा बिजनेस है। देवरानी जी को आए हुए कुछ माह ही हुए थे पर लग रहा था मानो बरसों से घर में हुकूमत देवरानी की ही चल रही थी। धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी रागिनी के कंधों पर आ गई। रागिनी भी खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। देवरानी जी को जितना भी समय घर के लिए मिलता वो आराम करने या अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने में लगा देती। अगर कभी रागिनी देवरानी को किसी काम को बोल भी दे तो सास ये कर मना कर देती कि अरे तुम करती ही क्या हो, घर के कामों के अलावा और क्या काम है तुम्हारा। छोटी बहू तो पैसे कमा रही है, उसे आराम करने दो। छुट्टी दिन ही तो मिलता है उसे अपने लिए। ये शब्द अक्सर रागिनी को सुनने को मिल ही जाते। रागिनी सब सुन अपने कामों में लग जाती। घर हो या बाहर सभी रागिनी के सीधेपन का बस फायदा ही उठाते। रागिनी का सीधापन खुद उसके आत्मविश्वास को डगमगा रहा था। सुबह का नाश्ता हो या दिन का खाना, सभी के कपड़े हो या बच्चे की देखभाल, सब रागिनी ही करती। दीपक ये सब देखकर हैरान था लेकिन आज तो हद तब हो गई जब भाई समान देवर के मुंह से रागिनी ने ये सुना कि भाभी आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मेरी शर्ट में जो दाग लगा था वो वैसा ही है। आप करती ही क्या हो घर में, जो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती हो। ये सब सुन रागिनी का कलेजा मोह
वो आ गया, अपने को संयंत कर, आंखों के आंसू सुपा रागिनी रोज की तरह अपने कामों में लग गई। काम निपटा कर कमरे में गई तो देखा दीपक फोन में लगे थे। जाने को मुड़ी कि दीपक ने आवाज दी, रागिनी कुछ बात करनी है तुमसे। देखो रागिनी हम अच्छे हैं ये अलग बात है, लेकिन अपने अच्छे पन का किसी को फायदा मत उठाने दो। अच्छा होना तब तक सही है जब तक तुम्हारे आत्म सम्मान को शॉट ना पहुंचे। देवी बनो लेकिन डोरमेट नहीं। कहते हैं ना कि हद से ज्यादा अच्छाई भी कभी कभी बुराई की वजह बन जाती है। जो जहाँ गलत हो उसे वहाँ पर गलत कहना सीखो। दीपक की बातों को सुन रागिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दीपक ने रागिनी को गले लगा लिया। मैं आपकी कही हुई बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। आप सही कह रहे हैं, जब बात आत्म सम्मान की हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह दीपक को जाना था, साथ में रागिनी ने भी अपना सामान बांध दिया। रागिनी को तैयार हुए देख सासू माँ बोल पड़ी, अरे तुम कहाँ जा रही हो? माँ जी मैं दीपक के साथ जा रही हूँ। अरे ये कोई वक्त है जाने का? छोटी बहू का सातवां महीना चल रहा है और यहाँ घर के काम कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सासू माँ? अपनी कर्कश आवाज में बोली, माँ जी जैसे आपने मेरे समय में मुझे मायके भेज दिया था वैसे ही देवरानी जी को उसके मायके भेज दीजिए, और अगर वो मायके ना जाना चाहे तो यहीं उसके लिए नौकरानी लगा लीजिए। आखिर नौकरी करती है वो, नौकरानी का खर्चा तो वो उठा ही सकती हैं। आप को भी आराम हो जाएगा। रागिनी ने अपने नर्म स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया, अरे दीपक तू समझाना इसे, अभी तो इसकी यहाँ जरूरत है और ये तेरे साथ जा रही है। माँ मुझे भी वहाँ मेस में खाना खाना पड़ता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। रागिनी होगी तो मुझे भी घर का खाना मिल जाएगा, दीपक ने माँ को समझाते हुए कहा। रागिनी दीपक को देख मुस्कुरा रही थी। रागिनी सोच रही थी कि वो कितनी गलत थी जो ये सोचती थी कि दीपक को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज दीपक ने उसके आत्मविश्वास आत्म सम्मान उसके अस्तित्व को जगाया था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।